तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें पूरा एलईडी लाइट आ चुका है। पेमेंट आपको इसमें पड़ने वाला है 21,209 रुपया, मिनिमम डाउन पेमेंट के मिनिमम ईएमआई में 2,984 रुपीज। इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा ऑन रोड, सबसे कम आरओआई में आपका निकलने वाला है ये गाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे खड़ी हमारी FJ-Version 4, और साथ ही साथ आप देख सकते हो ये डिलक्स वेरियंट में आपको एलईडी लाइट पूरा देखने को मिलेगा DRLs के साथ। पहले भी एलईडी आती थी बट यहाँ पे हेलोजन आपको देखने को मिलता था, अब इसमें फुल एलईडी आ रही है और साथ ही साथ एलईडी इंडिकेटर आ गया है इसमें, यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इसका पूरा फाइनेंस डिटेल कवर। इसमें आपका मिनिमम ईएमआई, मिनिमम डाउन पेमेंट और मिनिमम आपका इसमें आरओआई रहने वाला है गाइस। तो दोस्तों आज इसका पूरा प्राइस वगैरह भी क्लियर करेंगे हम लोग। इसमें देख सकते हो पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमने निकाल कर रखा है। इसमें आपको मैंने 3 आपको डाउन पेमेंट इसमें बताया है। 3 डाउन पेमेंट है आपका, मिनिमम थोड़ा सा हाई और उससे हाई है आपका डाउन पेमेंट। इसमें ईएमआई भी 3 निकले हुए हैं हमारे और सबसे कम आरओआई में आपका निकलने वाला है ये गाड़ी। स्टार्टिंग करते हैं, पहले कुछ इसमें चेंजेस हुए वो आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें पूरा एलईडी लाइट आ चुका है, प्लस इंडिकेटर भी आपको एलईडी में देखने को मिलते हैं। इस साइड भी आपका एलईडी इंडिकेटर है और पीछे के साइड आपको दिखाते हैं। तो गाइस पीछे से भी आप देख सकते हो अपने लाइट, आप देखो एकदम आपको पहले की जैसी लाइट मिलती है, मगर इंडिकेटर आपको इसमें एलईडी में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें एक न्यू फीचर है, इधर आइए, इधर आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए इसमें आपको E20 फ्यूल का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप अपना E20 फ्यूल भरा सकते हो। आप बोलोगे आप लोग कि E20 फ्यूल होता क्या है, तो इसमें आपका रहेगा 20% इथेनॉल रहता है और 80% पेट्रोल रहेगा। अभी बहुत जगह पेट्रोल पंप पे ये आया नहीं है, आएगा धीरे धीरे, तो वैसे वैसे चेकआउट करना आपको मिल जाएगा, बोलना आप E20 फ्यूल बढ़ाना है। अब बात करते हैं गाइस इसके प्राइस पे, इसका प्राइस आपको कितना देखने को मिलता है वो बात करते हैं। तो इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा ऑन रोड पटना में 1,53,509 रुपीज। ये पटना का प्राइस है ऑन रोड। अगर आपको अपनी सिटी का प्राइस जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, आपको अपनी सिटी का प्राइस मिल जाएगा कमेंट सेक्शन पे। देख 200-400 का वरी होगा बट सेम रहता है प्राइस, आपको मिल जाएगा आपके कमेंट सेक्शन पे। और साथ ही साथ बात करेंगे हम लोग मिनिमम डाउन पेमेंट पे। मिनिमम डाउन पेमेंट ऐसा है ना गाइस, आप सुनोगे ना तो आप तुरंत आओगे भाई शोरूम का है, शोरूम का है, शोरूम में एकदम घुसोगे आप डायरेक्ट। तो बात करते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट पे। तो मिनिमम डाउन पेमेंट आपको इसमें पड़ने वाला है 21,209 रुपया। 21,209 रुपया 1,53,000 की बाइक है और इसको आप 21,000 में लेके जा सकते हो। साथ ही साथ चलते हैं गाइस मिनिमम डाउन पेमेंट के मिनिमम ईएमआई में। तो बात करते हैं 24 मंथ का, तो इसमें आपका 7,041 रुपया लगने वाला है 24 मंथ में। और 30 मंथ का बात करें इसमें 5,887 रुपीज आपका लगने वाला है। और साथ ही साथ 36 मंथ की बात करें इसमें आपका 5,117 रुपीज लगने वाला है। और साथ ही साथ एक और चेंजेस हुआ है गाइस, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आओ, इधर से आप देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये आपका सेम MT15 ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ चुका है। आप ये देखो एकदम सेम आपका MT15 है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बार जूम करो, यहाँ पे आप देखिएगा, एक बार मैं फिर ऑन ऑफ करके आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप देखना, यहाँ देखिए TCS ट्रैक्शन कंट्रोल आ चुका है गाइस ABS के साथ। यहाँ देख सकते हो आप ट्रैक्शन कंट्रोल आपका आ गया है पीछे, साथ ही साथ ABS भी आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों ये आपका MT15 वाला हो गया, यहाँ दूर से दिखा दो गाइस, ये आपका MT15 रहने वाला है। अब बात करते हैं गाइस इसके सेकंड डाउन पेमेंट पे। सेकंड डाउन पेमेंट ऐसा ना एक स्कीम है आपके लिए, नो हाइपो का स्कीम है आपके लिए। उसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको डाउन पेमेंट बता देता हूँ। इसमें आपका लगने वाला है 31,908 रुपया इसका आपको डाउन पेमेंट लगेगा, सेकंड डाउन पेमेंट। और इसमें आपका नो हाइपो में होता है कि आपका जो बाइक जो ये होगा तो ये फाइनेंस नहीं होगा, ये कैश में होगा, आपका पूरा कैश में होगा, आपको फाइनेंस से कोई लेना देना है ही नहीं, आपका ये कैश में रहेगा, आपका ओनर बुक में भी कैश में ही लिखा जाएगा। तो साथ ही साथ पहले इसका ईएमआई हम लोग क्लियर कर लेते हैं फिर आरओआई में चलेंगे। तो ईएमआई है 12 मंथ का, आप देख लो 11,421 रुपीज, 18 मंथ का देखो 7,928 रुपीज, 24 मंथ का 6,182 रुपीज आपका लगने वाला है। अब चलते हैं इसके आरओआई में, आरओआई आपका लगेगा 7.99 का। अब चलते हैं दोस्तों इसका थोड़ा सा आवाज आपको सुना देते हैं कि कैसी है बाइक, एक बार थोड़ा इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। इधर आ जाओ, आवाज एक बार आप गौर फरमाइएगा गाइस कैसी है। तो आवाज आपको कैसा लगा गाइस कमेंट में बताओ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं गाइस अपने लास्ट डाउन पेमेंट पे, लास्ट डाउन पेमेंट पे बात करते हैं, इसको भी जल्दी खत्म करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि अगर कोई चाहते हैं इसको ज्यादा डाउन पेमेंट करके लेके जाना
तो वो भी हो सकता है। तो आपका थर्ड डाउन पेमेंट पड़ेगा गाइस 80,209 रुपीस आपका थर्ड डाउन पेमेंट है। और साथ ही साथ ईएमआई सुन लो आप, तो ईएमआई आपको 24 मंथ का पड़ेगा 4,015 रुपया, और 30 मंथ का आपका देख लो 3,375 रुपीस, और 36 मंथ का आपका हो गया 2,984 रुपीस। ये आपका ईएमआई पूरा क्लियर हो गया, तीनों डाउन पेमेंट मैंने बता दिया। अब बात करते कि आपको ये कहां से मिलेगा, किस बैंक से मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा एलएनटी से, एलएनटी से आप फाइनेंस करा लो। अब बात करते हैं गाइस डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगने वाले हैं इस गाड़ी के लिए आपको। तो इसमें सिंपल है, आपका पैन लगेगा, आधार लगेगा, बैंक पासबुक रहेगा वो लगेगा। ये जो नो हाइपो है इसमें आपका सैलरी स्लिप लगेगा, 3 मंथ का जो स्टेटमेंट आपका रहेगा बैंक का वो आपका लगने वाला है। सैलरी स्लिप पर्सन हो तो बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट है हमारे जो देख रहे हैं ये वीडियो, तो 21 साल के होंगे तो उनका ये लोन हो सकता है। जो 18 साल के हैं, 18 साल प्लस हैं, वो अपने मम्मी पापा का को एप्लीकेंट भी लगा सकते हैं। तो नेहा मैम से पूछते हैं शोरूम का एड्रेस और उनका नंबर कि आप इनसे ही आप बुक करा सकते हो। मैम इसको पहले बुकिंग पे हम लोग चलते हैं, बुकिंग चार्ज कितना लगेगा इसका? अप्रॉक्स 10,000 बुकिंग चार्ज है। 10,000, तो 10,000 गाइस आपको इसका बुकिंग चार्ज लगने वाला है। और साथ ही साथ बात करें मैम कब तक मिल जाएगी? आप इसको बुकिंग करवा लेते हैं तो आपको 10 दिन तक में अवेलेबल हो जाता है। 10 दिन तक में मिल जाएगी, अभी तो अवेलेबल है मैम, अभी तो 3-4 है भाई स्टॉक में, आप आके ले सकते हो। अवेलेबल है लेकिन ये रनिंग बाइक्स है जो हमेशा निकलते रहती है, इसलिए अगर आपको कलर चॉइस है तो प्लीज बुकिंग करवा लीजिएगा। कलर चॉइस है तो आप बुकिंग करा सकते हो। डीलक्स में ही आई है मैम ये आपका एफजेडएस डीलक्स एडिशन है, जिसमें आपका कलर का चॉइस है तो आप बुकिंग करवाइए। तो इसका बाकी सब वेरिएंट पे भी बन चुका है फाइनेंस वीडियो, आप जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ शोरूम का एड्रेस और अपना नंबर मैम बता दीगी, आप चाहो तो इनसे बुक करा लो। सिपारा पुल के पास दशरथा यती हमारा शोरूम है। मेरा नाम नेहा है, कॉन्टेक्ट नंबर है 9693222292। मैम का नंबर भी आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप देख लेना एक बार। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कैसे लगी ये बाइक एक बार सामने से दिखा दो। बाइक एकदम सेम बाइक रहने वाली, जो चेंजेस होने थे वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको बाइक थोड़ा सा भी अच्छा लगा, वीडियो भी थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो 1 लाइक सब्सक्राइब करके बगैर मत जाना गाइस। और मिलते रहेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।